हेलो एवरीबॉडी, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का फ्रैंकी। फ्रैंकी सभी को पसंद है और अगर उसमें पनीर हो तो उसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम फ्रैंकी बनाने के लिए रोटी का आटा गूंद लेते हैं। एक कप मैदा लिया है, इसमें 1/4 कप गेहूं का आटा डालेंगे ताकि हमारी रोटी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसे हम गूंद लेंगे। इसे हमें हार्ड भी नहीं गूंदना है और सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है। इसके ऊपर हम 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फ्रैंकी की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप दही लिया है। इसमें हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक। बेसन लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, इसमें हम बेसन डालेंगे, 2 टेबलस्पून धनिया डालेंगे, इसमें 100 ग्राम पनीर डालेंगे, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम डालेंगे, 2 चम्मच प्याज डालेंगे, इसे भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हमारा आटा सेट हो गया है। एक लोरी ली है मैंने, इसे हम बेल लेंगे। अभी रोटी को हमने पतला सा बेल लिया है। रोटी को हम 1/2 कच्चा सेक लेंगे। रोटी को 1/2 कच्चा रखा है। 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे इसमें हम। इसमें स्टफिंग का मिश्रण डाल देंगे। अब शिमला मिर्च और पनीर पक चुका है और ये ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हमारा स्टफिंग तैयार है। पैन गरम कर लिया है मैंने, इस पर हम बटर डालेंगे। बटर को अच्छी तरह से फैला लेंगे और उसके ऊपर रोटी डालेंगे। रोटी को हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसके ऊपर हम शेजवान चटनी को फैला लेंगे, कैबेज को फैला लेंगे। गैस को मैंने ऑफ कर लिया है। ऑनियन डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे इसके ऊपर ताकि इसको थोड़ा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। पनीर का मिश्रण डालेंगे इसके ऊपर, चीज डालेंगे ग्रेट करके। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे, बटर को थोड़ा फैला लेंगे।